एनडीए में अब एक और टूट दूर नहीं दिख रही, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना से बीजेपी के रिश्ते बेहद नाजुक दौर में पहुंच गए हैं। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले कल महाराष्ट्र के लातूर में अमित शाह ने जो बयान दिया है उससे रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि हमें सभी सीटों पर लड़ाई की तैयारी शुरू करनी होगी, अगर हमारे साथ सहयोगी जुड़ते हैं तो हमारी तैयारी उनके मदद के साथ होगी, अगर नहीं जुड़ते तो हम इस स्थिति में भी तैयार रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में आमने सामने आ गए हैं। अमित शाह ने कहा हमें सभी सीटों पर लड़ाई की तैयारी शुरू करनी होगी, अगर हमारे साथ सहयोगी जुड़ते हैं तो हमारी तैयारी उनकी मदद करेगी। इसके आगे अमित शाह ने कहा अगर साथ नहीं आते सहयोगी तो भी उस स्थिति में हम तैयार रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो बात अभी तक शिवसेना खुलकर कह रही थी अब बीजेपी भी खुलकर स्वीकार कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी की राहें जुदा होने वाली हैं। अमित शाह के बयान के बाद शिवसेना ने हर तरफ से बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से जो ताजा घटनाक्रम है वो ये कि एनडीए का सबसे पुराना सहयोगी शिवसेना और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो अपने सबसे नाजुक दौर में है। शिवसेना बीजेपी के रिश्ते महाराष्ट्र में नाजुक दौर में इसीलिए क्योंकि अभी तक शिवसेना की तरफ से ही ऐसी बयानबाजियां हो रही थी कि हम लोकसभा चुनाव अगर लड़ेंगे, लेकिन अमित शाह के कल लातूर में दिए गए बयान के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी भी अब स्पष्ट होती दिखाई दे रही है इस रास्ते। अमित शाह के बयान के बाद शिवसेना ने हर तरफ से बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार में शिवसेना कोटे के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने तो बीजेपी को बेईमान कह दिया। गौर कीजिएगा, बयान पर गुलाबराव ने जिक्र पहलवान का भी किया। मल्लांचं राज्य आहे, सांगतो की इथल्या पहलवानांना जे डाव माहिती आहे त्यांनाही माहित नसतील। माहित नाही की अकाली दल आणि शिवसेना हे खरी पूर्वजात त्यांचे मित्र पक्ष होते, पण दोस्त ही बेईमान हो गया तो करे क्या। देखिए, केवल 90 दिन बचे हैं उसके बीच ये ताजा घटनाक्रम। खैर, हम नहीं जानते कि चुनाव तक दोनों साथ रहेंगे या अलग ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी से जब जब शिवसेना अलग होकर लड़ी बहुत नुकसान उसे नहीं हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए, साथ लड़े शिवसेना बीजेपी, कुल 48 सीटों में शिवसेना को 18 मिली जबकि बीजेपी को मिली 23। शिवसेना को 7 सीटों का फायदा हुआ, तो शायद ये जो पूरा कैलकुलेशन है शिवसेना कर चुकी है। और इस कैलकुलेशन के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में भी क्या स्थिति बनकर उभरी ये देखिए। कुल 288 सीटें विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली 122 और शिवसेना को 63। शिवसेना को 19 सीटों का फायदा यहां पर हुआ। ऐसे अगर टैली देखे तो लगेगा कि दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है वो शिवसेना को विन विन वाली लगती है। और उसको ये लगता है कि अलग होकर लड़ने में अगर फायदा ही है तो अलग होकर अपने संगठन को मजबूत क्यों नहीं किया जाए। एक और आंकड़ा आपको हम दिखाते हैं। 2018 में पालघर में उपचुनाव हुआ था, यहां भी दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ी और यहां भी देखिए बीजेपी हालांकि जीती लेकिन रनरअप के तौर पर भी शिवसेना को अच्छी खासी यहां पर वोट मिले, अच्छी खासी संख्या मिली। नंबर दो की स्थिति तो बनी लेकिन बहुत बुरी हार इसे नहीं कहेंगे। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बने हुए हैं और शिवसेना से हमारे साथ मनीषा कायंदे जी बनी हुई हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, कल अमित शाह ने लातूर में जो कह दिया है तो क्या औपचारिक तौर पर माना जाए कि आप लोग अलग अलग ही चुनाव लड़ने वाले हैं आने वाले लोकसभा में? ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही प्रयास रहा है कि हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़े और शिवसेना हमारी गठबंधन की सबसे पुरानी साथियों में से एक है। हम चाहते हैं, हमारी सद्भावना है कि शिवसेना के साथ गठबंधन हो और हम मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसे संकेत तो नहीं मिल रहे प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए इससे आगे का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या स्थितियां स्पष्ट हैं? नहीं, इस भावना का प्राकट्य बारंबार हमारे राष्ट्रीय नेता भी कर चुके हैं, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी भी कर चुके हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से बारंबार इस बार के संकेत दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इस बार का इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि उनके साथ चुनाव लड़े लेकिन अपनी भी चुनाव लड़ने की तैयारियां करना हमारा जो है राजनीतिक कर्तव्य है, ठीक है, तो उसी का उत्तरदायित्व का निर्वाह हम कर रहे हैं। इसी आदरणीय
प्रेम जी, मैं आगे आपसे सहयोगियों को लेकर सवाल पूछूंगी, क्योंकि देखिए शिवसेना अलग हो जाती है तो ये बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने सबसे पुराने सहयोगी को साथ नहीं रख पा रही, लेकिन शिवसेना से हमारे साथ मनीषा जी भी बनी हुई है। मनीषा जी, एक आंकड़ा हमने अभी दर्शकों के सामने रखा था कि जब जब आप अलग होकर लड़े आपको फायदा हुआ, ये कैलकुलेशन शायद शिवसेना भी कर चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कैलकुलेशन भारी पड़ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबे पार्टी को। देखिए, हमें कोई किसी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है, कार्यकर्ताओं की भी मानसिकता है, और हमने ये आज की बात नहीं है, लगभग एक साल पहले माननीय उद्धव जी ठाकरे पार्टी प्रमुख ने एक साल पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम आने वाला चुनाव जो है जो स्वयं अपने बलबूते पे लड़ेंगे, ये आज की कोई परिस्थिति पे नहीं है। और जिस प्रकार से एनडीए में सहयोगी दलों को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, ना उनकी कोई सलाह मशवरा है, तो ऐसे स्थिति में जब बीजेपी के लोग खुद के नेताओं से सलाह मशवरा नहीं करते, अजीब बात है कि तो आप लोग कह रहे हैं कि मान सम्मान तो नहीं है, फिर भी सरकार में लगातार बने रहे और पूरी सरकार देखिए आप जाने को तैयार है, अगले साल फिर चुनाव आ जाएंगे महाराष्ट्र के, लेकिन आप सरकार में बने रहे, सरकार में रहकर विपक्ष का रूप, सरकार में इसलिए है, सरकार के ऊपर हम अंकुश रखने का काम करते हैं, और सरकार में इसलिए क्योंकि जनता ने हमको भी चुना है, सिर्फ उनको ही नहीं हमें भी काफी मेजोरिटी है और जनता चाहती कि शिवसेना लोगों के लिए काम करे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी यही सवाल जो मैंने आपसे इससे पहले पूछा था, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने सबसे पुराने सहयोगी को साथ नहीं रख पा रही, बिहार में बड़ी मुश्किल से पासवान साहब माने, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा तो चले गए, यूपी में आपके अपने आपको आंख दिखा रहे हैं, स्थितियां देखिए डामाडोल लग रही है, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि बाकी सहयोगी भी, अकाली दल भी वहां पर पंजाब में नाराज बैठा है आपसे। देखिए ऐसा, हम अपने गठबंधन के साथी दलों का हमेशा सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि जब केंद्र में हमको 282 सीटें लोकसभा में जनता ने दी है, फिर भी हमने अपने जितने भी साथी थे, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे पासवान की पार्टी हो, हर पार्टी को हमने कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया, और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जब विधानसभा में विश्वास मत शिवसेना के बिना भी पारित होने के बावजूद जब शिवसेना ने हमसे समर्थन देने का प्रस्ताव दिया, तो उसको सम्मान पूर्वक जो है वो कैबिनेट में स्थान दिया गया, तो हमने हमेशा अपने मित्र दलों का सम्मान किया, किसी काल परिस्थिति और राजनीतिक चातुर्य तो फिर ये रास्ता तो और आसान हो जाता प्रेम शुक्ला जी, कल तो अमित शाह महाराष्ट्र में ही थे, मिलाते अपने सहयोगी से, उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर लेते, क्या दिक्कत थी। देखिए ऐसा है, वो लगातार स्वयं मातोश्री गए भी हैं आदरणीय अध्यक्ष जी इसके पहले, और सतत जो है संपर्क में हमारे मुख्यमंत्री जी उद्धव जी के साथ रहते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र पार्टी, उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार है, हम उसे यही प्रस्तावित कर सकते हैं कि हम मिलजुल कर लड़े, हम पुराने साथी हैं, साथ रहे, वैचारिक हिंदुत्व पर हमारा गठबंधन रहा है, हम उनको प्रस्तावित कर सकते हैं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं, हम उन पर अनावश्यक दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात मैंने सुनी, एक प्रस्तावित करें। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक असमंजस है, हालांकि पिछले 3.5-4 साल से है, लेकिन अब क्योंकि अब तो देखिए 2.5 महीने बाद चुनाव ही आ जाएंगे, 90 दिन ही बाकी, हमारा काउंटडाउन भी लगातार चल रहा है, ये बात स्पष्ट कर दीजिए कि शिवसेना आपके साथ है या अलग है। देखिए ये तो शिवसेना को तय करना, हमारी इच्छा है कि शिवसेना हमारे साथ, आप एनडीए का हिस्सा मानते हैं शिवसेना को, एनडीए का हिस्सा है शिवसेना, फिलहाल तो है। मनीषा जी, महाराष्ट्र हमारे पास है और हमने उनको जो है विधान, हमने उनको स्थानीय निकायों में भी समर्थन दे रखा है। ठीक है चलिए, यही सवाल मैं मनीषा जी आपसे पूछ लेती हूँ, मनीषा जी हैं आप लोग अभी साथ में, अभी जुदाई मान रहे रहे? देखिए हम सरकार चलाने के लिए साथ में हैं। अच्छा, ये कोई यूटी का शासन नहीं है, एनडीए में है, मगर ये सरकार में हम सहयोगी है। आपका जो जवाब है मनीषा जी, आपके आने वाले वक्त में दरवाजे खुले रखने के संकेत दे रहा है, क्योंकि आगे भी अगर आप स्थिति ऐसी बनती है तो आप लोग फिर कह देंगे कि सरकार चलाने के लिए हम फिर साथ आए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इन सब के बीच ये भी गौर कीजिएगा कि बेहद तल्ख बयानबाजी अब शिवसेना की तरफ से शुरू हो गई है, और जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है शिवसेना द्वारा बीजेपी के लिए, बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए, ये इससे पहले नहीं हुई है। दूरियां बढ़ने का एक और इशारा मिला है, बीजेपी ने कल चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र समिति बनाई है उसमें नारायण राणे को भी सदस्य बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि राणे
पुराने शिवसैनिक हैं जो आजकल महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी चलाते हैं और बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब राणे और शिवसेना में 36 का आंकड़ा है, ये सब जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ छुपा नहीं है, दोनों किसी भी सूरत में एक गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते। इससे पहले गौर करने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में राणे को शामिल करने की बात जब उठी थी तो शिवसेना ने फडणवीस सरकार से समर्थन वापसी तक की धमकी दे दी थी, मतलब पूरे आर पार के मूड में शिवसेना आ गई थी। तब शिवसेना के बगावती तेवरों को देखते हुए बीजेपी पीछे हटी, राणे को शामिल कर बीजेपी ने साफ कर दिया है अब कि पहले से अब की स्थितियां में फर्क आ गया है, शिवसेना के बजाय राणे की पार्टी के साथ गठबंधन करने को बीजेपी आतुर है। तो लगातार कैसे घटनाक्रम बदल रहा है ये आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एनडीए की वो पार्टी है जो राम मंदिर नहीं बनने पर लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रही है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन लगातार उद्धव ठाकरे अपने राज्य से निकलकर अयोध्या जाकर बकायदा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान और नीतीश कुमार कहीं राम मंदिर का बहाना बनाकर बीजेपी को गच्चा देने के मूड में तो नहीं है? कल दिए गए बयानों से यह सवाल खड़ा होने लगा है, क्योंकि हम सहयोगियों की बात कर रहे हैं तो इन दोनों की बात भी सुनिए। जब सिर्फ चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठते हैं, मैंने पिछले 3-4 साल में मैंने कभी नहीं सुना कि आपने राम मंदिर को लेकर कोई जिक्र किया हो या उसको लेकर कोई तत्परता दिखाई हो, जो कि दिखाई जानी चाहिए थी क्योंकि आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है। पर आज जब चुनाव वापस करीब आते हैं और उस वक्त जब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं तो मेरे जैसे युवा, मैं कहीं ना कहीं युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं, हमारी अपनी समस्याएं जो मैंने सरकार के समक्ष मैंने प्रमुखता से मैंने रखी, हमारी समस्याएं बेरोजगारी को लेकर, हमारी किसानों को लेकर। सुना आपने रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान का बयान? इसे हल्का ना समझिए, क्योंकि पासवान जो सीधे सीधे नहीं कहते वही बात चिराग पासवान खुलकर कहते हैं। चिराग पासवान साफ साफ और लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा 2019 में एनडीए की प्राथमिकता नहीं हो सकता। चुनावी एजेंडा अगर आप इसको भी बनाना, आप बिल्कुल बनाइए, बट जब सिर्फ यही चुनावी एजेंडा बन जाता है तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो जाती है, क्योंकि जनता आपसे अपेक्षा रखती है कि आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसानों की आत्महत्या की बात करेंगे, किसानों की कर्ज माफी की आप बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, आप अपने आंकड़े बताएंगे कि आपने सरकार ने अभी तक कितने नौजवानों को आपने रोजगार दिया। तो मैं ये सब अपेक्षा रखता हूँ सरकार से। बिहार में एनडीए में लगातार टूट हो रही है। बिहार एनडीए से पहले जीतन राम मांझी निकले, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा भी गए, जेडीयू के साथ बमुश्किल झगड़ा सुलटाया तो एलजेपी नाराज हो गई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।